वेलकम टू माय शो मवरिको। दो इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर करूंगा, नंबर वन रिगार्डिंग योर रिजल्ट, नंबर सेकेंड रिगार्डिंग ऑनलाइन MBBS क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि रमेश पोखरियाल जी से रिजल्ट के बारे में पूछा गया था क्वेश्चंस, तो उन्होंने कहा था एज सून एज पॉसिबल रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेशन काफ़ी डिले हो चुका है, तो स्टूडेंट पर बर्डन बढ़ेगा अगर क्लासेस जल्दी स्टार्ट नहीं हुई तो बेसिकली, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद भी मिनिमम 2 मंथ का टाइम टोटल काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा सारी काउंसलिंग को फिनिश करने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, और इसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर और दिसंबर आपका मंथ जाएगा काउंसलिंग में, और जैन से आपका स्टार्ट हो सकता है 2021 से। आई होप कि तब तक कोरोना ना हो और आपकी ऑनलाइन क्लासेस ना स्टार्ट हो, क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो ऑनलाइन MBBS क्लासेस चल रही हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर की, और MCA ने उसे अप्रूव भी किया है, तो वो क्लासेस आपकी वैलिड हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर कोरोना तब तक जिस तरह से उसका कर्व फ्लैट हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है क्रेसिस, उस हिसाब से हो सकता है जैन से आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएँ क्लासरूम वाली। तो बेसिकली ये दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। वैसे तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो 12th उसकी डेट है, लेकिन उससे पहले भी डिक्लेयर किया जा सकता है, तो क्योंकि आज कल परसों में कभी भी रिजल्ट आपको डिक्लेयर किया जा सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट्स ऑल। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।